लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अपनी पहली ही फिल्म से बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस को अब बॉलीवुड में कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं धूम से लेकर फिर हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस रिमी सेन के बारे में। साल 2000 में बंगाली फिल्मों से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली इस एक्ट्रेस ने साल 2004 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन अब इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह भी काफी अजीब है। रिमी सेन साल 2000 से लेकर साल 2016 तक फिल्म इंडस्ट्री में खूब एक्टिव रही। रिमी साल 2015 में बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है और रिमी की आखिरी फिल्म साल 2016 में आई थी। हालांकि इस फिल्म में रिमी ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2017 में रिमी नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो गई थी, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद रिमी को फिल्म तो क्या कोई छोटा मोटा रोल में भी नजर नहीं आई। लेकिन काम न मिलने की असल वजह क्या है, इसके बारे में कभी रिमी ने भी कोई बयान नहीं दिया। बताने योग्य है कि कभी इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, रिमी आमिर खान के साथ कोका कोला की एड भी कर चुकी है।